अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मच अवेटेड क्वेश्चन आप सब लोग पूछ रहे थे कि बाइनांस को मोबाइल फ़ोन के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो बिना आपका वक्त जाए कि ये मोबाइल के ऊपर यूज़ करना सीखते हैं। चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने आईफोन यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ऐप स्टोर के ऊपर चले जाएँ या प्ले स्टोर के ऊपर यूज़ कर चले जाएँ और आपने बाइनांस को डाउनलोड कर लेना है। तो आपने डाउनलोड कैसे करना है, जस्ट सर्च के ऊपर जाना है और बाइनांस को सर्च करना है और आपके सामने बाइनांस आ जाएगा और यहाँ पे बटन मेरे पास ओपन है क्योंकि डाउनलोड हुआ है, आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ओपन के ऊपर जाते हैं तो इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस शो होगा आपको। अभी ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, मैं इसको लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस नज़र आएगा। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये क्लिक करना है और नीचे देखना है कि यहाँ पे बॉटम में आपको बाइनांस प्रो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको बाइनांस प्रो ही नज़र आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे बाइनांस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाइनांस लाइट पे लेके चला जाएगा। ये देखें अब ये यहाँ पे नीचे लाइट आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है ये प्रोफेशनल वर्जन नज़र आ रहा है। तो स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो आपने इस इंटरफेस के ऊपर नहीं आना, तो दोबारा उस वहीं पे चले जाएं और नीचे बाइनांस लाइट के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे लाइट के ऊपर एक क्लिक किया तो ये बाइनांस लाइट लोड हो गया। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर है, तो आपके लिए जो है ना बाइनांस लाइट सही रहेगा, आपने प्रो वर्जन के ऊपर नहीं जाना वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों देखें ऊपर आपके पास दो बटन नज़र आ रहे हैं, साइन अप और लॉगिन, आपने क्लिक कर लेना है साइन अप के ऊपर। अगर आपकी पहले आईडी नहीं बनी हुई तो आपने ईमेल अपने पासवर्ड के जरिए यहाँ पे आईडी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद ये आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपकी गवर्नमेंट आईडी मांगेगा, तो आपने वो गवर्नमेंट आईडी देके इसको वेरीफाई करवा लेना। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। फोटो अगर मांगे तो आप फोटो भी ले लें। आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करवा ली, उसके बाद आपने अकाउंट आपका जैसे क्रिएट हो जाता है आपने उसके बाद लॉगिन कर लेना, जैसे कि मैं आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखें ये लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब देखें मेरी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, आपने हैक नहीं करना अकाउंट आई एम जोकिंग। तो ये मेरा सिर्फ डेमो अकाउंट है, मैंने आपके लिए बनाया। तो देखें यहाँ पे आपको स्टार्ट में क्या क्या नज़र आ रहा है, कॉइन्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे लेफ्ट पे वॉच लिस्ट नज़र आ रही है। तो वॉच लिस्ट में वो होंगे जिनको आप ऐड टू वॉच लिस्ट करोगे, जिनके ऊपर आप नज़र रखना चाहते हैं जो कॉइन के ऊपर, क्योंकि कॉइन्स तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, तो जो आपको पसंद है आप उन्हें वो वॉच लिस्ट में रखना है। तो कॉइन पे आ जाते हैं, कॉइन पे पॉपुलर में ऑन टॉप आ रहे हैं, पॉपुलर में ये देखें जो पॉपुलर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। मार्केट कैप के लिहाज से जिनकी मार्केट कैप बड़ी है क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, इनकी जिनकी प्राइस अप डाउन है तो ये आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप बॉटम लेफ्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है मार्केट का, और उस मार्केट के ऊपर अभी क्लिक किया तो आपको सारे कॉइन नज़र आ रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रेड। अब ट्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, बाय, सेल, कन्वर्ट, डिपॉजिट। अब चारों का मतलब क्या है, बाय के ऊपर क्लिक करके आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। मैं बाय के ऊपर गया और यहाँ पे देखें हज़ारों क्रिप्टो करेंसियाँ अवेलेबल हैं। मैं फॉर एग्जांपल बाय करना चाहता हूँ सोलाना, तो मैंने यहाँ पे सर्च करना टॉप के ऊपर, सोलाना यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे अमाउंट ऐड करनी है, कितने का मैं बाय करना चाहता हूँ। आया कि मैं 100 पाउंड का बाय करना चाहता हूँ या 100 डॉलर, ये देखें डिफरेंट करेंसीज अब यहाँ पे अवेलेबल, जो भी आपके कंट्री में अवेलेबल हो करेंसी आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मैं 100 का करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे आप पाउंड में करना चाहते हैं तो 100 डाल दिए। अगर मैं क्वांटिटी करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ एक सोलाना लूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस कैलकुलेट कर देगा यहाँ पे नीचे एस्टिमेटेड प्राइस। तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, 100 पे आ जाते हैं। 100 क्लिक करने के बाद मैंने थोड़ा सा स्लाइड डाउन किया तो यहाँ पे बाय का बटन आ जाता है। बाय का बटन मैंने क्लिक किया और ये देखें आप आ जाएं यहाँ पे, आपके पास डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और उसके साथ एप्पल पे का है। एप्पल पे यूज़ कीजिएगा या एंड्रॉयड पे यूज़ कीजिएगा अपने, क्योंकि ये प्रॉब्लम कम देते हैं डेबिट क्रेडिट, वहाँ पे वेरिफिकेशन का मसला आता है। तो कन्फर्म के ऊपर जाते हैं हम। जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके पास ऑप्शन दे देता है कि ये आपको इतनी फी इतनी चार्ज होगी, सोलाना आपको 71 GBP का मिल रहा है। कन्फर्म कर लिया, ये कंफर्म करके आपने यहाँ पे अपनी पेमेंट करके इसको बाय कर लेना है। तो बाय का ऑप्शन तो आपको समझ आ गया कि करेंसी बाय कैसे करनी है। अब उसके बाद आ जाता है सेल कैसे करनी है। सेकंड के ऊपर आपके ऑप्शन मिल जाता है सेल का, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। अब आप समझते हैं कि प्राइस ऊपर गई हुई है, मैं सेल करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करें सेल को और आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी आपके पास क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम सेल के ऊपर आए तो ये देखें ये आपके पास दो क्रिप्टो करेंसियाँ नज़र आ रही हैं जो कि हमारे अकाउंट में अभी अवेलेबल हैं। तो आपने जो भी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर सेलेक्ट किया, क्लिक किया और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आप इसकी 25% करना चाहते हैं, 50%, ये आपके पास क्विक लिंक है। अदरवाइज आप अमाउंट भी एंटर कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट है 100% करते हैं तो सारी अमाउंट के नीचे एस्टिमेटेड आपको प्राइस मिल जाएगी कि आप कितने में सेल कर सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर सेल का बटन प्रेस करना है। अभी ये बता रहा है कि 10 मिनिमम 10 USD हो तो सेल होगा मार्केट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे
नहीं है तो इस वजह से सेल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेल होने के बाद आपकी अमाउंट आपके पास जीबीपी में आ जाएगी जिसको आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये सेल का ऑप्शन हो गया। उसके बाद कन्वर्ट का ऑप्शन है। कन्वर्ट का ऑप्शन ये है कि आपके पास एक करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिटकॉइन है तो आप सोलाना में सोलाना है तो बिटकॉइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने आपके पास जो जो करेंसी अवेलेबल है ये देखें, जो जो बैलेंसेज आपके पास अवेलेबल है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, आपने उनको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल बीटीटीसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ या मैं किसी और कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने ना यहाँ पे बीटीटीसी को सेलेक्ट कर दिया, मैं कहता हूँ कि मैं इसको यूएसडीटी में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है 994,000। तो अगर आप उसमें से 10,000 20,000 जितना करना चाहें कर सकते हैं या मैक्सिमम करते हैं। मैक्सिमम करने के बाद आपको अमाउंट बता देता है कि इतने आपको मिलेंगे। प्रीव्यू कन्वर्जन में जाएं, ये देखें, उसके बाद वो कहता है कन्वर्ट करना चाहते हो, कन्वर्ट का बटन दबाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था। और डिपॉजिट का तरीका ये है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है किसी और वॉलेट में या किसी और एक्सचेंज में, आप डिपॉजिट करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो का ऑप्शन भी है और फियाट का मतलब भी है। फियाट क्या होती है, ये हमारी नॉर्मल करेंसी होती है, पाउंड रुपी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो फियाट को ट्रांसफर ना करें, आई वॉन्ट सजेस्ट यू, क्योंकि फियाट का मसला है कि डिफरेंट करेंसी में डिफरेंट कंट्रीज़ में बाइनांस की प्रॉब्लम चल रही है, एक आंकड़ा चल रहा है उसके साथ गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं कर रही जिसकी वजह से बैंक्स ट्रांजेक्शंस नहीं कर रहे। तो क्रिप्टो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी क्रिप्टो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सोलाना, डोज, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से डोज कॉइन, ठीक है, डोज कॉइन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन सी जो है ना नेटवर्क के जरिए आप कन्वर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ डोज कॉइन का अपना नेटवर्क है क्योंकि वो खुद ब्लॉकचेन है। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क भी आ गया उसका डोज कॉइन का और नीचे डिपॉजिट एड्रेस भी आ गया। ये डिपॉजिट एड्रेस आप किसी को सेंड कर सकते हैं दोस्तों को, या अपने दूसरे वॉलेट में एंटर करके यहाँ पे जो है ना डोज कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेड का ऑप्शन था। नेक्स्ट है डिस्कवर में। डिस्कवर में आपको जो है ना न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, न्यू कॉइन्स जो लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में पता चलता है। और लास्ट के ऊपर आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल टर्म में ये दिखा देगा कि आपके पास क्या क्या है, आपकी कुल दौलत, कुल कमाई जो है ना क्रिप्टो करेंसी में कितनी है। अब ये देखें मैक्सिमम बता रहा है, बिट टोरेंट में जो है ना 36% है, सुपरफार्म में 27% है, टेथर यूएसडीटी में जो है 9.54% है ये टोटल आपकी एलोकेशन। यहाँ पर इनके बैलेंसेज दिखा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने सिंपली क्या करना है, मार्केट के ऊपर आना है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किसी भी कॉइन की जो है ना परफॉर्मेंस रिसेंटली, सारे कॉइन्स का बर्ड आई व्यू मिल रहा होता है। और यहाँ पे कॉइन की नीचे जब कॉइन के अंदर जाएंगे आपको नीचे कुछ डिटेल नज़र आ जाती हैं, जैसे उसकी रैंकिंग, मार्केट कैप, मार्केट डोमिनेंस, सर्कुलेशन सप्लाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, उसकी वेबसाइट, उसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों फॉर स्टार्टर अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए आपने याद रखना है, क्लिक करेंगे टॉप लेफ्ट के ऊपर तो आपके पास यहाँ पे बाइनांस यूजर के बॉटम में यहाँ पे बाइनांस प्रो नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर आपने बाइनांस प्रो के ऊपर क्लिक किया तो आपको जो है ना बहुत ही एडवांस फीचर नज़र आएंगे जो आप यहाँ पे मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग, लेकिन इन द बिगिनिंग आप उनको टच ना कीजिए क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। तो स्टार्टर के लिए बाइनांस लाइट इस्तेमाल करें। अब देखिए मैं आपको क्लिक करके थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ ये लगता कैसे। ये देखिए मैंने क्लिक किया बाइनांस प्रो के ऊपर, जैसे ही मैंने बाइनांस प्रो के ऊपर क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, ये देखें टॉप के ऊपर। इवन मार्केट में आता हूँ तो देखें ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट किस्म की है, जैसे कि मैं देखें मार्केट में आके मैंने जब क्लिक किया आप ये देखें ये सारे वही चार्ट्स नज़र आ रहे हैं सारा कुछ। तो दोस्तों ये तो था मेरा जो है ना क्विक जो है ना इंट्रो आपको बाइनांस को इस्तेमाल करने का मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर आप हर काम कर सकते हैं बाइनांस में, इवन कि आप डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, परेशानी की बात की नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं बाइनांस यूज़ करने में या क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं आपको कहूँगा कि आपने लाइट मोड पे रहना है, आपने प्रो मोड पे नहीं जाना, बाइनांस प्रो के ऊपर नहीं जाना। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। इसी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।